Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries, modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method. आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। तेलंगाना में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी एटला राजेंद्र से इस बात पर AIMIM सदर वेम्पी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इनकार कर दिया और कहा कि हमेशा की तरह बीजेपी दोबारा हारेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर इलेक्शन हारी है, नागार्जुना बाईपोल या MLC ग्रेजुएट इलेक्शन या हाल ही में हुए म्यूनसिपल इलेक्शन तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह से बीजेपी हारी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मीडिया के बुनियादी बातें हैं कि एटला राजेंद्र से बीजेपी की सरकार तेलंगाना में आना। ये नागार्जुना सागर का एक बाई इलेक्शन हुआ था ना, जमानत भी नहीं बचा पाए बीजेपी के लोग। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर का MLC का इलेक्शन हुआ, हार गई बीजेपी। नलगुंडा वरंगल खम्मम का MLC इलेक्शन हुआ, ग्रेजुएट्स का बीजेपी का 4th नंबर पे चले गई। अब आप लोगों की नजर में ये सब अच्छा दिख रहा है तो भाई मुझे नहीं मालूम, या तो आपकी दिमाग का नंबर जरा कम हो चुका है, आंख का नंबर कम हो सकता है या बढ़ सकता है, मगर ये दिमाग का नंबर अगर आप लोगों का कम हो रहा है तो फिर इसका इलाज मेरे पास नहीं है। जीएचएमसी में उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, GHMC में आप बताइए कि सेकेंड वेव में कहीं नजर आई बीजेपी आपको? इतने लोग जो बीमार पड़ रहे थे, पीड़ित परिवार के पास कोई नहीं गए। हाँ, कहाँ गए? मौत में गए या जिंदगी में गए? हो गया। चलिए, मबनी है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने ये लिखा है कि जो भी डेथ कोविड से हुई है उसको 6 times मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का रिबटल ये आ रहा है कि वो जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने जो मॉडल लिखा है जिसमें करीब 20 लाख के करीब लोगों की मौत सेकेंड वेव में हुई है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि वो स्पेकुलेटिव है, मिस इन्फॉर्म्ड है। मैं हेल्थ मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो स्पेकुलेटिव, मिस इन्फॉर्म्ड है, तो फिर कोवैक्सीन का आपने क्यों उसको शुरू किया? क्या वो कुछ पीयर रिव्यूड साइंटिफिक डेटा था उसका? अभी भी डेटा जमा कर रहे हैं ना। दूसरा, आयुष मिनिस्ट्री ने क्यों कोरोनिल को सर्टिफिकेशन दिया? क्या उसका भी कुछ इफेक्टिव डेटा था आपके पास? तीसरी बात यह है कि डेली डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा कोई भी स्टेट नहीं दे रहा है। स्टेट्स ICMR के गाइडलाइंस को कोई फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और चौथा, पांचवा पॉइंट जो हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि उन्होंने बिहार सरकार को लिख कर दिया, बिहार सरकार को, बिहार की हाई कोर्ट ने उनको क्वेश्चन किया, उनको खींचा, तो रातों रात बिहार सरकार ने फिगर्स को सही करके 3,000 मौत का इजाफा कर दिया। जितने एपिडेमोलॉजिकल मॉडल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि डेथ्स जो हैं वो 5 से 6 गुना ज़्यादा है, और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये सिर्फ मोदी सरकार ये कह रही है कि इतने मौतें नहीं हुए कोविड से। हम मोदी सरकार हकीकत को छुपा, सच्चाई को छुपा रही है। मोदी सरकार का रियलिटी से कोई टच ही नहीं है। वो आम भारत के लोगों की मौत, उनकी तकलीफ से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कनेक्शन ही खत्म हो चुका है, वो बिल्कुल अलूफ है। इसीलिए वो After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for
degree students, BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students, MPC, JEE and MCET, YPC, NEET and MCET. MEC CACMA, CEC CACMA, CEC Computer and Regular, 100% Scholarship Assistance, Transport Facility Available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.